इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे आजकल एक नया हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग प्राची देसाई नेशनल क्रश ऑफ इंडिया। इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे फैन पेजेस ने, फॉलोअर्स ने, मीमर्स ने प्राची देसाई को लेकर एक नई मुहिम छेड़ दी है। नेशनल क्रश, जैसा कि मैंने बताया, उनको आजकल टैग दिया जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी है कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में आत्महत्या करी, उसके बाद से जब एंटी नेपोटिज्म की एक मुहिम, एक प्रोटेस्ट बॉलीवुड के फैंस ने शुरू किया, तब प्राची देसाई का नाम एकदम से उभर के आया। क्योंकि प्राची देसाई का जन्म हुआ गुजरात के सूरत में। प्राची देसाई के पिता का नाम निरंजन देसाई है, माता का नाम अमिता देसाई है। अब प्राची देसाई जिस फैमिली से आती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पिताजी बिजनेस में थे, तो फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना वीक नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंबानी वगैरह के परिवार से, वो इस तरीके से इतनी अमीर थी, इतनी भी अमीर नहीं थी, लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक नहीं था, अपर मिडिल क्लास आप उनको सीधे सीधे कह सकते हैं। तो प्राची देसाई ने प्राइवेट स्कूल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचाग्नि गुजरात से अपनी 9th तक की पढ़ाई करी, यानी कि फर्स्ट टू लेकर नर्सरी से लेकर 9th तक की उन्होंने एक ही स्कूल से पढ़ाई करी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पंचाग्नि गुजरात से। 9th के बाद वो अपनी हायर एजुकेशन 10th 11th 12th और कॉलेजेस के लिए पुणे चली गई, महाराष्ट्र के पुणे में। जब प्राची देसाई पुणे गई तब उनकी उम्र लगभग 16 साल रही, 15-16 साल की उम्र में वो पुणे चली गई। पुणे में जाकर उन्होंने पढ़ाई करना शुरू किया और यहाँ से उनकी ज़िंदगी बदल गई। बॉलीवुड में प्राची देसाई किस तरीके से आई, टीवी उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। प्राची देसाई पुणे गई तब उनकी उम्र 16-17 साल थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पुणे में पढ़ाई करते हुए 8 महीने का टाइम ही हुआ था कि एक खबर मिली कि किसी यूथ फेस्टिवल के लिए, मुंबई में पुणे में बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स होते रहते हैं जिनमें बॉलीवुड से बहुत सारे यूथ आइकन्स को बुलाया जाता है शो स्टॉपर के रूप में, और बहुत सारे नए यूथ मॉडल्स को मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को सामने प्रेजेंट कर सकें। ऐसे ही किसी यूथ फेस्टिवल के लिए पुणे में ऑडिशन होना था, जिसकी खबर प्राची देसाई को लगी और वो ऑडिशन देने चली गई। अब ऑडिशन से प्राची देसाई का ये पहला सामना नहीं था। प्राची देसाई ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस बात को एडमिट किया है कि बचपन से ही, क्लास 7th से ही, जब वो स्कूल में प्लेज देखा करती थी, परफॉर्मेंसेस देखा करती थी, तभी से उनके मन में एक्टिंग को लेकर एक अलग ऑब्सेशन था और एक्टर वो हमेशा से ही बनना चाहती थी। तो पुणे में ऑडिशन देने गई और जिस शो के लिए ऑडिशन दिया, जिस यूथ फेस्टिवल के लिए ऑडिशन दिया, वो यूथ फेस्टिवल तो अनफॉर्चुनेटली कभी हो ही नहीं पाया। लेकिन वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, जो उस ऑडिशन को जज कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, उन्होंने प्राची देसाई को एकता कपूर के एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया। एकता कपूर को प्राची देसाई के क्लिप्स दिखाए गए, दोबारा प्राची को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और प्राची को फाइनलाइज कर दिया गया एकता कपूर के आने वाले शो जी टी वी पे, जो शो आने वाला था उसके लिए। इस शो का नाम था कसम से। प्राची देसाई को शो की शूटिंग से एक दिन पहले तक भी ये बात नहीं पता थी कि वो किस चीज़ के लिए शूट करने जा रही हैं और उनका रोल क्या है। ये बात प्राची देसाई ने अपने इंटरव्यूज़ में खुद एडमिट करी। तो प्राची देसाई को एकता कपूर ने कसम से नामक शो के लिए राम कपूर के साथ कास्ट कर लिया। तब प्राची देसाई की उम्र महज 17 साल थी। बहुत छोटी उम्र में प्राची देसाई ने जी टीवी जैसे बड़े चैनल पे प्राइम टाइम शो कसम से के अंदर लीड रोल ले लिया था। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक तरीके से बहुत बड़ा जंप था करियर के अंदर, बैंग ऑन टाइप्स। और इसीलिए प्राची देसाई इस बात को हर बार आपको कहते हुए मिल जाएंगी कि टैलेंट जो है कई बार हार्डवर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राची देसाई उन गिने चुने बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि बॉलीवुड में आने के लिए टैलेंट प्लेज अ बिग रोल, बट मोर देन दैट किस्मत, लक आपका बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डेस्टिनी पे प्राची देसाई हमेशा से जोर देती आई हैं और बहुत सीधे तरीके से वो इस बात को एडमिट करती हैं कि बॉलीवुड में आना है तो आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत का अच्छा होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका टैलेंट अच्छा ना भी हो तो भी कई बार आप किस्मत के दम पे बॉलीवुड में एंट्री ले जाते हैं। यही प्राची देसाई के साथ ऐसा हुआ, ऐसा वो खुद एडमिट करती हैं, बताती हैं। और कसम से मिलने के बाद प्राची देसाई का करियर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। प्राची देसाई को पहले ही शो कसम से के लिए उनको इंडियन टैली अवार्ड्स के बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीड रोल के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया और वो अवार्ड जीत भी गई। सन 2006 में उनका शो आना शुरू हुआ था, इसमें उन्होंने अवार्ड जीता। बानी का रोल उन्होंने निभाना शुरू किया, बानी वालिया नामक उनका कैरेक्टर था।
बानी एक ऐसी लड़की थी 17 साल की जिसकी शादी 34 साल के आदमी से हो जाती है, और तमाम वो डेली शॉप की जो भी प्लॉट्स होते हैं उसी प्लॉट का एकता कपूर का नाटक था, लेकिन प्राची देसाई ने इस नाटक से बेहद नाम कमाया। उसके बाद झलक दिखला जा नाम का एक शो आया करता था जिसको करण जौहर, माधुरी दीक्षित आजकल होस्ट करते हैं, उस समय पे कोई और किया करता था, शाहिद कपूर भी उस शो में आया करते थे। अब प्राची देसाई को उस शो में एंट्री मिली, जैसा कि अमूमन ट्रेंड रहता है किसी भी डेली सोप के एक्ट्रेस को किसी कोरियोग्राफर के साथ पार्टनर के साथ उस शो में आना होता है और आप उसमें कॉन्टेस्ट करते हैं। प्राची देसाई ने भी दीपक सिंह नामक कोरियोग्राफर, एक कोरियोग्राफर हैं दीपक सिंह, उनके साथ उस शो में पार्टिसिपेट किया और अल्टीमेटली वो शो जीत गई। सन 2007 के दिसंबर के महीने में, यानी कि 2007 एंड ही हो रहा था तब प्राची देसाई ने वो शो जीता, और 2008 की जनवरी में प्राची देसाई को रॉक ऑन मूवी के लिए ऑफर आ गया। अभिषेक कपूर बहुत बड़े डायरेक्टर हुआ करते हैं आज भी और उस समय भी। अभिषेक कपूर की मूवी थी, फरहान अख्तर उसके कास्ट के अंदर थे, अर्जुन रामपाल थे, बहुत बड़े बैनर की मूवी थी और प्राची देसाई को उस मूवी के लिए ऑफ़र आया था। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि प्राची देसाई ने उस ऑफ़र को मना कर दिया था, ठुकरा दिया था। प्राची देसाई का कहना था कि वो कसम से नाटक के साथ, कसम से डेली सोप के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड थी और उसको इतना लकी चाम माना करती थी कि वो उस नाटक को छोड़ना नहीं चाहती थी किसी एक मूवी के लिए, इसलिए प्राची देसाई ने रॉक ऑन को मना कर दिया। उसके बाद प्राची देसाई की जो डायरेक्टर थी, क्रिएटिव डायरेक्टर थी, उन्होंने उनको कॉल किया, थोड़ा डांटा और उसके बाद प्राची देसाई की मीटिंग फिक्स कराई अभिषेक कपूर के साथ। अभिषेक कपूर ने और कास्टिंग टीम ने प्राची देसाई को फाइनलाइज़ किया और प्राची ने फाइनली कसम से इसे ब्रेक लिया, कसम से उन्होंने छोड़ दिया और 2009 में रॉक ऑन मूवी करने का उन्होंने डिसीजन लिया। रॉक ऑन मूवी उनके करियर, बोल बच्चन उनके करियर की सबसे बेस्ट एपिक मूवी मानी जाती है जिसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा कमाई करी। बोल बच्चन एक सुपर डुपर हिट मूवी थी, अभिषेक बच्चन, अजय देवगन, प्राची देसाई, इन सारे लोगों के साथ असिन भी उस मूवी में थी, तो बोल बच्चन एक बड़ी मूवी थी जो कि प्राची देसाई ने उसके तहत अपने और सक्सेस प्राप्त करी और इसके बाद उनको स्टारडस्ट स्टार गिल्ड अवार्ड 2009 में मिला भी। अब प्राची देसाई ने कसौटी जिंदगी, आपने वो प्राची देसाई की जो टेलीविज़न है उस लाइफ को आपने शायद सिर्फ कसम से तक ही सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राची देसाई कसौटी जिंदगी एकता कपूर का एक और बहुत बड़ा नाटक है स्टार प्लस पे, आजकल फिर से वापसी हो गई है उसकी। पहले जो कसौटी जिंदगी आया करता था प्राची देसाई ने उसमें भी कैमियो किया, 2 एपिसोड में प्राची देसाई ने प्राची चौहान नामक एक स्टूडेंट का रोल उस नाटक के अंदर निभाया 2006 के अंदर ही। और अब प्राची देसाई का नाम इसलिए आजकल वापस ट्रेंड कर रहा है कि अजय देवगन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया बोल बच्चन मूवी का, अजय देवगन ने बोल बच्चन मूवी के 8 साल पूरे होने पर पिछले दिनों में एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने अभिषेक बच्चन को टैग किया और लिखा कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस मूवी ब्यूटीफुल। प्राची देसाई ने इस पर रीट्वीट करते हुए कहा कि अभिषेक, अजय देवगन साहब, आप शायद असीन और मुझको भूल गए, यानी कि सीधे सीधे तरीके से प्राची देसाई ने अजय देवगन के उस नेपोटिज्म की तरफ झुकते हुए ट्वीट को रोका और बाकी कैरेक्टर्स की तरफ, बाकी लोगों की तरफ ध्यान देने के लिए भी उन्होंने कहा। तो सीधे सा कहने का मतलब ये है कि प्राची देसाई नेपोटिज्म से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेट करती हैं, थोड़ा सा उसको वो सपोर्ट नहीं करती, खिलाफ़ रहती हैं नेपोटिज्म के। एक दफ़ा प्राची देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि बॉलीवुड के अंदर आने वाली सभी एक्ट्रेसेस को उनके रंग और रूप के आधार पर पहले देखा जाता है, उनके टैलेंट के आधार पर बाद में देखा जाता है। प्राची देसाई ने कंगना रनावत, विद्या बालन का एग्जांपल देते हुए ये कहा कि जो एक्ट्रेसेस टैलेंटेड हैं उनको अपना मुकाम हासिल करने में ज़्यादा समय लगता है उन एक्ट्रेसेस से जो कि किसी सेलिब्रिटी की बेटी हैं या दिखने में बेहद ज़्यादा सुंदर हैं। तो प्राची देसाई काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और ब्लंट तरीके से अपने बयान देती हैं, बहुत लोग इसके लिए उसको पसंद भी करते हैं। प्राची देसाई के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। साल 2016 में प्राची देसाई की लास्ट मूवी आई थी अजहर के अंदर वो दिखी थी, रॉक ऑन 2 में भी उन्होंने एक रोल किया था। इसके अलावा अगली मूवी प्राची देसाई की 2020 में आने के लिए प्लान की गई है, अब वो आ पाती है या नहीं आ पाती इसके ऊपर थोड़ा संकोच है क्योंकि कोरोना वायरस के चलते शूटिंग ढंग से हुए नहीं आ पाई। तो प्राची देसाई की अगली मूवी कोशा है, कोशा एक मूवी है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अमन अद्वैता डायरेक्टेड मूवी है कोशा, जो एक हॉरर मूवी है। प्राची देसाई इसके अंदर सोनिया सावंत का रोल प्ले करती हुई आपको नज़र आएंगी। सोनिया सावंत एक लड़की है जिसका भाई
विक्रम सावंत अपने पिता के साथ दूर रहता है, सोनिया सावंत किसी दूसरे शहर में रहती हैं। जब पिता की मौत हो जाती है तो सोनिया सावंत अपने भाई विक्रम सावंत की देखभाल करने के लिए उसके घर पर जाती हैं, और घर पर जाकर के वो हॉरर का जो पूरा प्लॉट है वो आपको देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग मूवी है, अमन अद्वैता उसको का डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक ज़्यादा बड़े बैनर की मूवी नहीं है लेकिन प्लॉट मूवी का अच्छा नज़र आता है, रीमेक भी नहीं है तो फैंस को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी इस मूवी का है। प्राची देसाई की लगभग काफ़ी टाइम बाद, 4 साल बाद मूवी आ रही है जो कि डायरेक्ट आप सिनेमा में उसको देख सकते हैं। तो ये प्राची देसाई की अगली मूवी का प्लॉट था, और ये प्राची देसाई के करियर, उनके बॉलीवुड से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे हमने आपको बताए। इसी तरीके की और भी ज़्यादा बायोग्राफीज देखने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, कुछ डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें ज़रूर बताइए कि आपको किस चीज़ में सुधार चाहिए, आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं और कहाँ पे आपको कमियाँ लगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में।